नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने वाले पति के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, खबर आ रही है नवाशहर से। विवाहिता के मायके परिवार का घर अपने नाम पर लगवाने की मांग को लेकर मारपीट करने तथा घर से बाहर निकालने के आरोप के तहत पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एसएसपी को दी शिकायत में कृष्णा देवी पुत्र लेट चमन लाल निवासी गांव सधवा तहसील बंगा ने बताया कि उसकी शादी धर्म वीर पुत्र सोहन लाल निवासी गांव धनाल थाना सदर जलंधर के साथ 15 जून 2022 को हुई थी। उसने बताया कि सोहरा परिवार की मांग पर उसकी शादी पैलेस में हुई थी तथा शादी में मायका परिवार की ओर से अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर खर्चा किया गया था। दहेज का सामान भी दिया गया था। उसने बताया कि उसकी चार बहनें तथा कोई भी भाई नहीं है। उसके पिता की शादी के 6 महीने बाद ही मौत हो गई थी। उसने बताया कि ससुराल परिवार की ओर से उसे शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करना शुरू कर दिया गया था। उसने बताया कि उसे तंग परेशान करने तथा कई दिन तक खाना तक ना देने के चलते उसका बच्चा भी गिर गया। उसने बताया कि उसके मायके का घर पति के नाम पर लगवाने की मांग को लेकर तंग परेशान करना शुरू कर दिया गया था तथा उसे घर से निकाल दिया गया था। उसने बताया कि वह पिछले 6 महीने से अपने मायके घर में बैठी है। ससुराल परिवार से किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। एसएसपी को दी शिकायत में उसने इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत बनती कार्रवाई करने की मांग की है।